अभी थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट आई कि शुगर की लोबी ने 1960 के दशक में वैज्ञानिकों को करोड़ों डॉलर की इस बात के लिए रिश्वत दी कि वो दिल से होने वाली और पूरे शरीर में होने वाली बीमारियों के लिए शुगर को दोषी ना ठहराएं, उसकी बजाय वो ये कहें कि शुगर तो सेफ है, चीनी तो सेफ है, लेकिन उसके स्थान पर दूसरी चीज़ें इसके लिए जिम्मेदार हैं। शुगर से क्या होता है, आज पूरी दुनिया के सामने वो चीज़ें खुल चुकी हैं। इंटरनेट के ऊपर हम एक वर्ड भी डालते हैं कि शुगर के इम्पैक्ट क्या क्या हैं बॉडी के ऊपर, तो उसमें हमारे सामने रिजल्ट आता है कि शुगर, अब तक हम सोचते थे कि केवल दांत खराब करती है या डायबिटीज़ का खतरा पैदा करती है, शुगर केवल ये नहीं करती। जो चीनी है वो कंसनट्रेटेड कार्बोहाइड्रेट है, उसके अंदर कोई पोषक तत्व तो नहीं होता, ना प्रोटीन होता उसके अंदर, ना किसी भी प्रकार से उनके अंदर मिनरल्स होते हैं, ना किसी भी प्रकार से उनके अंदर कोई शरीर को पोषण मिलता। कंसनट्रेटेड कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे शरीर के ऊपर भार है। एक एक ग्राम चीनी जो हमारे अंदर जाती है तो मुँह के अंदर जाते ही मुँह को सड़ाना शुरू कर देती है, उसके बाद हमारी आंत में जाती है तो आंत में हमारे जो गुड बैक्टीरिया हैं फ्लोरा उनको खत्म कर देती है, जिससे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है, हमारी हड्डियों के अंदर से कैल्शियम का फास्फोरस को इम्बेलेंस कर देती है जिससे हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और हमारे शरीर के अंदर जो एक एक ग्राम चीनी जाती है वो डाइजेस्ट नहीं होती, वो फर्मेंटेशन उसका होता है, वो सड़ती है और हमारे शरीर के ऊपर डाइजेशन के ऊपर भार बनकर हमारे पथरी बनाने का काम करती है, हमारे दिल की धमनियों को कठोर करने का, उनके अंदर फैट डिपोजिशन करने का काम करती है। और आज ये साबित हो चुका है हजारों रिसर्च पेपर से कि ये जो दिल की बीमारियां हैं, बीपी होना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, हार्ट की जितनी भी डिजीज हैं ये होना, इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार चीनी है। और चीनी की ये शुगर की लोबी इतनी मजबूत है कि खाने की जितनी इंडस्ट्री है उसके 40-50% हिस्से के ऊपर शुगर का, चीनी की लोबी का कब्जा है। हम अपने घर में जो परचेजिंग करते हैं, आप उसमें देखेंगे कि हम जो परचेजिंग करते हैं उसमें 50% खरीदारी वो होती है जिसका बेस मटेरियल चीनी है। चीनी डायरेक्ट हम चाय में, दूध में लेते हैं, सुबह उठते ही हम बिस्किट खाते हैं, बेकरी के आइटम खाते हैं, हम मिठाइयाँ खाते हैं, हम जूस पीते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक खाते हैं, इन सब का बेस चीनी है, शुगर है। तो शुगर के हानिकारक दुष्प्रभावों के बारे में हमसे छुपाया गया। जब हम शुगर छोड़ने की, चीनी छोड़ने की बात करते हैं तो हमारे मन में डर लगता है कि हम चीनी नहीं छोड़ सकते। हमें चीनी नहीं छोड़नी है, हमें चीनी को रिप्लेस करना है और प्राकृतिक मिठास के साथ रिप्लेस करना है। जब हम चीनी को नेचुरल मिठास के साथ रिप्लेस करते हैं तो हमारे शरीर को 15 दिन के अंदर बेनिफिट महसूस होना शुरू हो जाते हैं। 15 दिन के अंदर हमारे शरीर के अंदर, हम बात करें तो चीनी छोड़ते ही हमारे शरीर के अंदर वजन कम होना शुरू हो जाता है, हमारा डाइजेशन ठीक हो जाता है, शरीर के अंदर पेट पतला होना शुरू हो जाता है, हमारे मुंह के अंदर से स्मेल अच्छी आनी शुरू हो जाती है चीनी छोड़ते ही, हमारी नींद अच्छी आनी शुरू हो जाती है चीनी छोड़ते ही, हमारा बीपी कम हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बैलेंस होना शुरू हो जाता है, हमारे हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है, हमारा ब्रेन के अंदर कंसंट्रेशन और अलर्टनेस बढ़ जाती है चीनी छोड़ते ही, अल्जाइमर डिमेंशिया का खतरा कम हो जाता है चीनी छोड़ते ही, डिप्रेशन का खतरा कम हो जाता है चीनी छोड़ते ही, डायबिटीज़ का, फैटी लीवर का खतरा कम हो जाता है चीनी छोड़ते ही, 15 दिन के अंदर हमारी झुर्रियाँ ठीक होनी शुरू हो जाती हैं, एंटी एजिंग इफेक्ट हमारी बॉडी के अंदर आने शुरू हो जाते हैं चीनी छोड़ते ही, हमारी स्किन जवान होना शुरू हो जाती है चीनी छोड़ते ही, हम थका थका महसूस नहीं करते, हम ऊर्जावान महसूस करना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीनी छोड़ते ही इम्पैक्ट होते हैं। तो 15 दिन के लिए एक चैलेंज लीजिए कि मैं मीठा तो खाऊंगा लेकिन चीनी नहीं खाऊंगा। मीठा किसका खाऊंगा? आम का खाऊंगा, फलों का खाऊंगा, आम का, अनार का, चीकू का, किशमिश का, अंगूर का, ये नेचुरल शुगर मैं लूंगा। नेचुरल शुगर के लिए चीनी को रिप्लेस करना है तो आप किससे करेंगे? एक तो फलों से करेंगे जो मीठे फल हैं, दूसरा आप किससे रिप्लेस करेंगे? नेचुरल शुगर को यदि रिप्लेस करना है तो आपके पास एक हेल्दी ऑप्शन है, गुड़ का। गुड़ को आप प्रयोग कीजिए, गुड़ के अंदर पोषक तत्व होते हैं, गुड़ के अंदर आयरन होता है, कैल्शियम होता है, ये हमारे शरीर को ताकत देता है और नेचुरल तरीके से जो जड़ी बूटियों से साफ किया हुआ बनावाया हुआ गुड़ है उससे किसी भी प्रकार का हानिकारक इम्पैक्ट नहीं होता। आपके आसपास शुद्ध तरीके से बनाया हुआ गुड़ मिल जाएगा। जो गुड़ बिल्कुल सफ़ेद है उसको कभी मत लीजिए, इसका मतलब उसके अंदर हानिकारक केमिकल डाले गए हैं। जो थोड़ा सा मटमैला दिखाई दे उस गुड़ को लीजिए। पतंजलि ने भी ये गुड़ उपलब्ध करवाया है न्यूनतम मूल्य के ऊपर, तो आपको पतंजलि में मिले तो पतंजलि का आप गुड़ नज़दीकी स्टोर से ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, आप शहद का प्रयोग कर सकते हैं। पतंजलि ने ये न्यूनतम मूल्य पर लगभग 200-250 रुपए, दूसरे बाजार से लगभग 200% सस्ता ये शहद उपलब्ध करवाया है। ये शहद नेचुरली प्री डाइजेस्ट होता है तो आप शहद का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है, पतंजलि ने मधुरम शुगर उपलब्ध करवाई है, तो आप चीनी के विकल्प के रूप में ये मधुरम शुगर जो 65 रुपए किलो है, जिसको आप चाय में, दूध में, मिठाइयों में, लस्सी में, हर चीज में जहां आप चीनी का प्रयोग करते हैं वहां आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो चीनी और गुड़ के बीच की ये चीज है
जिसको जैगरी पाउडर के नाम से बोला जाता है, और इसको आप कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के हानिकारक केमिकल इसके अंदर डाले नहीं गए हैं। तीसरा ऑप्शन है आप देसी खांड का आप प्रयोग कर सकते हैं, आप कोकोनट की शुगर का प्रयोग कर सकते हैं, आप जो खजूर है खजूर की शुगर का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस शुगर को 15 दिन के लिए आप रिप्लेस कीजिए और आपकी बॉडी के अंदर जो बेनिफिट होते हैं आप उसको महसूस करेंगे। आपके दांत से लेकर आपकी पूरी बॉडी के अंदर चेंजेज आते हैं। शुगर केवल हमारे दांतों के लिए नुकसानदायक नहीं है, केवल डायबिटीज पैदा नहीं करती, शुगर कैंसर तक पैदा करती है। शुगर के अंदर ब्रेन के अंदर इफेक्ट आता है, शुगर के अंदर हमारी स्किन के अंदर इफेक्ट आता है। तो आज ही 15 दिन के लिए एक संकल्प लीजिए कि मैं केवल नेचुरल शुगर लूंगा। और एक डॉक्टर हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन शुगर के शोध करने में लगाए हैं, डॉक्टर रॉबर्ट, वो ये कहते हैं कि हमारी बॉडी को शुगर की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हम जो एक एक ग्राम शुगर लेते हैं वो केवल हमारी बॉडी के लिए जहर का काम करती है। धन्यवाद। तो 15 दिन के लिए शुगर छोड़ने का चैलेंज लीजिए, एक बार ट्राई कीजिए, और 15 दिन यदि आप छोड़ पाएं उसके लाभ आपको मिले तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए और अपने परिवार को स्वस्थ बनाइए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।